गूगल यूजर्स के लिए मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन के दिन अब खत्म होने वाले हैं। गूगल ने घोषणा कर दी है कि गूगल फोटोज पर अनलिमिटेड फोटो अपलोड का ऑप्शन अगले साल से नहीं मिलेगा। मतलब आप गूगल फोटोज को फोटोग्राफी का जो डंपिंग जोन बना चुके हैं वो अब नहीं चलेगा। आइए जानते हैं गूगल की नई घोषणा और उसके साइड इफेक्ट से बचने के क्या तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले जानिए क्या है गूगल फोटोज। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो उसमें ईमेल के अलावा गूगल ड्राइव, गूगल कीप जैसे तमाम फीचर्स भी आते हैं। इनमें से सबसे काम का फीचर होता है गूगल फोटोज। ये आपकी फोटो को क्लाउड यानी गूगल के अपने सर्वर पर स्टोर करने की सुविधा देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर किसी ने आपके गूगल अकाउंट पर खुद ब खुद फोटो को गूगल फोटोज पर सिंक करने का ऑप्शन दे रखा है तो ये आपकी खींची हर फोटो को दिल में सहेज कर रखता है। जब भी जरूरत होती है तो एक क्लिक से उस फोटो को फिर से मोबाइल में सेव करने का ऑप्शन देता है। गूगल वैसे तो हर अकाउंट पर सिर्फ 15 GB डेटा स्टोर करने का ऑप्शन देता है, लेकिन गूगल फोटोज पर अनलिमिटेड फोटो स्टोर की जा सकती है। तो अब क्या हुआ? हुआ यह है कि गूगल ने फोटोज पर दिया जाने वाला फ्री का चंदन बंद कर दिया है। मतलब अब जो धड़ाधड़ फोटो खींचकर गूगल पर सेव करते रहे वो सुविधा आपको आगे नहीं मिलेगी। इस सुविधा के बंद होने की चर्चा तो पहले से थी लेकिन कोई तारीख तय नहीं थी। अब गूगल ने बाकायदा इसकी तारीख तय कर दी है। ये तारीख है 1 जून 2021। इस तारीख से गूगल फोटो की स्टोरेज भी उस 15 GB में ही गिनी जाएगी जो आपके एक बेसिक गूगल अकाउंट के साथ मिलती है। जिन लोगों ने गूगल पर अलग से स्पेस खरीद रखा है वो अपनी फोटो उस स्पेस में भी स्टोर कर सकते हैं। आपको बता दें कि गूगल पर 15 GB के अलावा भी स्पेस खरीदा जा सकता है। 100 GB अतिरिक्त स्पेस की कीमत 130 रुपये महीना या 1300 रुपये साल के भरने होते हैं। 2 TB यानी टेराबाइट तक की स्टोरेज के 650 रुपये महीने या लगभग 6500 साल भर के लिए जा सकते हैं। गूगल ने बाकायदा इसे लेकर अपने ब्लॉग और ट्विटर पर घोषणा कर दी है। अब सवाल ये कि ऐसा जुलुम काहे कर रहा है गूगल। गूगल ने अपने ब्लॉग में इसके कारण के तौर पर साफ तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि लगभग 5 साल पहले शुरू हुए गूगल फोटोज़ पर अब काफ़ी स्टोरेज जो है वो खा चुका है। बताया है कि लोगों की तकरीबन 4 ट्रिलियन, इसके ज़ीरो आप आराम से बैठ कर गिने, लोगों की फ़ोटोज़ जो हैं गूगल पर चढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, यूज़र्स हर हफ्ते 28 बिलियन की दर से फ़ोटो गूगल पर ला दे जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि गूगल के लिए फोटोज़ को अपने सर्वर पर सहेज कर रखना महंगा पड़ता जा रहा है। इसके अलावा ये पैसे कमाने का अच्छा जरिया भी बन सकता है। कुल मिलाकर पहले मुफ्त का स्वाद लगाया गया और अब आदत पड़ने के बाद बिजनेस मॉडल तैयार हो चुका है। गूगल फोटोज़ पर अपनी फ़ोटो को मैनेज करने के लिए अभी आपके पास तकरीबन 7 महीने का वक्त है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हज़ारों फोटोज़ को आप एकाएक डिलीट तो नहीं कर सकते। ऐसे में मैनेज करना ही एक ऑप्शन बचा है। कुछ जुगाड़ हैं जो लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला जुगाड़, फौरन दूसरा ठिकाना खोज लीजिए। ज़्यादा इधर उधर भटके बिना ये बात आप जान लीजिए कि गूगल ने आपकी फ्री स्टोरेज की जो भूख पैदा कर दी है वो कहीं और शायद फ्री में पूरी हो सके। ऐसे में अमेज़ॉन एक ऐसा ठिकाना है जहाँ पर फ़ोटोज़ को ढेरम ढेर स्टोर करने का ऑप्शन अब भी बचा हुआ है। अमेज़ॉन पर अगर आपने प्राइम सर्विस ली है तो सर्विस के साथ ही अमेज़ॉन ड्राइव आपको अनलिमिटेड स्टोरेज की सुविधा देता है। अमेज़ॉन की प्राइम सर्विस फिलहाल 129 रुपये महीने या 999 रुपये साल के चार्ज पर उपलब्ध है। ये गूगल के मुकाबले न सिर्फ सस्ती है बल्कि इसके साथ ही अमेज़ॉन से प्राइम सर्विस में सामान खरीदने, प्राइम वीडियो देखने और म्यूज़िक सुनने पर सुविधाएं मिलती हैं। फिलहाल यही सबसे सस्ता ऑप्शन उपलब्ध है, अगर तब तक अमेज़ॉन भी लालच में आकर अपने प्राइस ना बढ़ा दे तो। दूसरा जुगाड़ है, अलग अलग ऑप्शन लिए जाएँ। गूगल की तरह दूसरी कंपनियाँ भी फ्री स्टोरेज का ऑप्शन देती हैं। बस दिक्कत यही है कि फ्री स्टोरेज का जो स्पेस है वो काफ़ी छोटा होता है। इन ठिकानों पर भी फोटोज़ को हमेशा के लिए सेव किया जा सकता है। बस एक अकाउंट बनाना है और फ़ोटो चढ़ा देनी है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, डेगू जो कि 100 GB देता है, मेगा जो कि 50 GB फ्री देता है, मीडिया फायर 10 GB फ्री देता है, पी क्लाउड भी 10 GB फ्री देता है और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव 5 GB फ्री डेटा देता है। अगर और ज़रूरत पड़े तो आजकल फ़ोन कंपनियां भी स्टोरेज दे रही हैं। मिसाल के तौर पर शाओमी क्लाउड नाम की सर्विस देता है जिस पर 5 GB फ्री डेटा स्टोर किया जा सकता है। बाकी कंपनियां भी 5 GB तक क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन दे रही हैं। 1 जून 2021 को गूगल फोटोज़ के स्टोरेज को ख़त्म होने से पहले बेहतर होगा आप अपने फ़ोटोज़ को सेव करने के दूसरे तरीके खोज लें। गूगल पर ज़्यादातर फ़ोटो व्हाट्सएप या इस जैसे दूसरे ऐप से अपलोड हो जाती हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि गूगल जो है ऑटो बैकअप एंड सिंक ऑप्शन होने की वजह से हमारी फ़ोटोज़ जो काम की नहीं भी हैं उन्हें भी सेव करता जा रहा है।
आप ज़रूरत के मुताबिक इस सिंक को ऑफ कर लीजिए तो आपको राहत मिलती रहेगी। इस ऑप्शन को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं, यानी सिंकिंग को आप ऑफ कैसे कर सकते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पर गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन खोलें। निश्चित करें कि गूगल अकाउंट में साइन इन हो आप पहले से। दाईं तरफ अकाउंट प्रोफाइल फ़ोटो या नाम के पहले अक्षर पर टैप करें। फ़ोटोज़ की सेटिंग, उसके बाद ऑटो बैकअप एंड सिंक के ऑप्शन पर जाएं और इसे ऑफ कर दें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।